हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एट द रेट सर्वर हुसैन दादा, जहां आपको ज्ञान मिलेगा सबसे ज्यादा। जैसे कि आपने देखा, एमटीएस का एग्जाम खत्म हो गया। अब किसी ने अच्छा किया, किसी ने खराब किया, मगर चिंता नहीं करना, अभी बहुत सारे एग्जाम आने वाला है। जिन लोगों ने भी अच्छा किया वो ज्यादा एक्साइटेड भी ना हो, और जिन लोगों ने खराब किया वो ज्यादा दुखी भी ना हो। अभी इसी साल में 3 से 6 महीना के अंदर बहुत सारा एग्जाम है, सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल है। अच्छे से तैयारी करें, फोकस करें और फिर से मेहनत करें, ठीक है। अच्छा, आज हम लोग जिस टॉपिक में बात करने वाले हैं वो योगा डे है। अभी हाल ही में यानी कि 21 जून को ही 9th इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया गया, जो कि जबलपुर, मध्य प्रदेश के जबलपुर में सेलिब्रेट किया। एक्चुअली ये तो पूरा दुनिया में ही सेलिब्रेट किया गया था, बट इंडिया का जबलपुर में आधिकारिक तौर पर किया गया था। और इसको आयोजन कौन करवाता है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ये आयुष का फुल फॉर्म क्या पता है? ए फॉर आयुर्वेदा, वाई से योगा, यू से यूनानी, एस से सिद्धा और एच से होम्योपैथी, याद रखेंगे। और ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का जो मिनिस्टर है अभी, यूनियन मिनिस्टर, उनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल, जो कि इससे पहले असम के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, ठीक है। और इसमें चीफ गेस्ट कौन थे? जी, हमारे वाइस प्रेसिडेंट, जो कि राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं, वही इसमें चीफ गेस्ट थे। उनका नाम क्या है? जगदीप धानखड़ जी। और इस बार यानी कि 2023 योगा डे का थीम क्या था? वसुधैव कुटुंबकम। इसका मतलब होता है वन वर्ल्ड वन फैमिली, ठीक है, एक दुनिया एक परिवार। और ये कहां से लिया गया था? ये महाउपनिषद से लिया गया है। और 2022 भी पिछला साल गया, 2022 का क्या था थीम? योगा फॉर ह्यूमैनिटी। ये 2022 का था, इसको भी याद रखेंगे हम। और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी यूनाइटेड नेशन का जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, वहां से ये योगा डे को सेलिब्रेट किए, और भी जितना भी आधिकारिक ऑफिशियल से उन लोग भी इसको किया। और 180 से ज्यादा कंट्री 21 जून में पूरा वर्ल्ड में सेलिब्रेट किया इस योगा डे को, ठीक है। अच्छा, इसका शुरुआत कब से होता है? अच्छा, क्यों 21 जून को ही क्यों चुना गया? 21 जून को इसलिए चुना गया, नदन हेमिस्फीयर में, वर्ल्ड में दो ग्लोब का दो हेमिस्फीयर है, नदन और सदन। तो नदन हेमिस्फीयर का सबसे लंबा दिन 21 जून को ही बोला जाता है, 21 जून को। और इसे कहा जाता है समर सोल्स्टिस, ठीक है। तो इसी के लिए इसको चुना गया, क्योंकि योग करने से इंसान का जो लाइफ है वो लंबा होता है, इसीलिए इस लंबा दिन को ही चुना गया। और यूनाइटेड नेशन ने रिकॉग्नाइज कब किया इस दिन को एज ए योगा डे? 11 दिसंबर 2014 को यूनाइटेड नेशन में इसे पारित किया गया, और उस टाइम 177 कंट्री दुनिया का इसमें मोहर लगाता है, हमारे ये जो प्रपोजल था उसमें। और पहली बार, ये याद रखेंगे, 11 दिसंबर 2014 में ये लागू होता है, और पहली बार सेलिब्रेट किया जाता है 2015 में। 2015 का 21 जून को पहली बार इंटरनेशनल योगा डे के हिसाब से सेलिब्रेट किया जाता है, ओके। अच्छा, आदि गुरु, आदि योग गुरु किसे कहा जाता है पता है? जो भगवान शिव है उनको आदि योग गुरु भी कहा जाता है। और पतंजलि, जो कि बहुत ही पुराने एक लेखक थे, बहुत हजार साल पहले, उनका लिखा हुआ योग सूत्र, उसी में से ये चलता आ रहा है योगा, ओके। और 2021 में WHO और इंडिया गवर्नमेंट मिलकर एक ऐप भी चालू करता है, जिसका नाम रहता है WHOM योगा ऐप, ओके। और अगर हम लोग मॉडर्न जमाना का बात करते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न योगा किसको कहा जाता है? जी हाँ, तिरुमलई कृष्णमाचार्य को फादर ऑफ मॉडर्न योगा कहा जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं और भी कुछ फेमस योगा गुरु के बारे में, दो चार। एक का नाम है BKS अयंगर। इन्होंने पहले तो इंडिया में ये योगा को बढ़ाया, उसके बाद पूरा दुनिया में भी इन्होंने बढ़ाया। और इनका इस सराहना कदम के लिए इनको बहुत सारा अवार्ड से भी नवाजा गया, जैसे कि 1991 में पद्मश्री मिला, 2002 में पद्म भूषण और 2014 में पद्म विभूषण। और इनका एक किताब है लाइट ऑन योगा, ये भी बहुत फेमस और चर्चित किताब है। अब हम लोग और भी कुछ शिव गुरुओं का नाम देख लेते हैं, जिन्होंने योगा का प्रचार प्रसार में देश और दुनिया में बहुत नाम कमाया। वैसे तो बहुत है, दो चार का नाम हम लोग ले लेते हैं। एक लेडी जिसका नाम है हंसा जी योगेंद्र, वो भी लेडी योगा गुरु है। उसके बाद सदगुरु का नाम आपने सुना होगा, जी हाँ, ईसा फाउंडेशन जो चलाते हैं सदगुरु, वही योगा का भी प्रचार किया है। और एक नाम है श्री श्री रविशंकर, उनका जो संस्था है उसका नाम है आर्ट ऑफ लिविंग, याद रखेंगे। और बाबा रामदेव को तो सभी पहचानता है, उन्होंने भी टीवी के माध्यम से योगा को बहुत ही पॉपुलराइज किया, और उनका एक अपना कंपनी भी है पतंजलि, इसी से आप रिलेट कर पाएंगे, जो पतंजलि जो थे वही योगा का योग सूत्र पहला किताब लिखे थे, ठीक है। उसके बाद एक नाम आता है, उनका नाम है YKY मीनाक्षी देवी भवानी, ठीक है।
और ये पुडुचेरी में एक आनंद आश्रम है जिसका असली नाम है ICYER, ठीक है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर योगा एजुकेशन एंड रिसर्च पुडुचेरी में है। इसका ही डायरेक्टर है यही मीनाक्षी देवी भवानी जी। ओके, तो आप लोग कभी भी सोचते होंगे जो अरे भाई पुराना पुराना पद्मश्री पद्मभूषण क्यों पूछा जाता है, तब आप रिलेट कर पाएंगे। इसी वजह से दे लीजिए भी 21 जून गया योगा डे। अब योगा से रिलेटेड मैंने अभी आपको नाम बताया BKS अय्यंगर, अब पूछा जाएगा जो उनको कब पद्मश्री मिला पद्म विभूषण मिला। तो कभी भी कोई चीज पुराना नहीं रहता है, जो भी लेटेस्ट ट्रेंड में आता है उसी से लिंक करके इसको लिया जाता है। ओके, तो ये योगा डे के बारे में ये एक नॉलेज दिया मैंने, मुझे ऐसा लगता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आने वाले एग्जाम में। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे, प्यार बांटे, खुशियां बांटे और ज्ञान तो जरूर बांटे। मिलते हैं अगले वीडियो में, और लाइक करते रहें।